दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो। जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा ने मंगलवार को जनाक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शहर के टैक्सी स्टैंड से केंद्र व प्रदेश सरकार विरोधी नारों के बीच शुरू हुई रैली मुख्य बाजार की परिक्रमा के उपरांत लखदाता मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। तदुपरांत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान नीरज नैयर ने की। इस मौके पर नीरज नैयर ने कहा, देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आक्रोश सप्ताह मना रही है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर रोष रैली इसी का हिस्सा थी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, ये जो हफ्ता है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है इस सप्ताह को जन आक्रोश सप्ताह के तौर पर इसको आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बारी बारी जो है डीसीसी और जो बीसीसी है वो लोगों का जो आक्रोश है सरकार के प्रति, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो महंगाई है वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुकी है। चाहे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, हर दिन जो है इनकी कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं है कि कुछ पैसे जो है इनकी कीमत ना बढ़े, ऐसा देखने को आ रहा है। और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल जो है ये चीज़ें हो गई हैं और आम आदमी के लिए जो है बहुत दिक्कतों का आम आदमी को सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही में चाहे आप गैस की कीमतें देखें और अपना अगर आप डिपुओं की बात करो तो जो तेल है, तेल के अंदर इतना ज़्यादा जो इजाफा जो है वो किया गया है, सीधे ही तकरीबन कोई 45-50 रुपए के करीब जो है, 57 रुपए करीब जो है जो तेल के अंदर बढ़ गए हैं एकदम। तो ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है। आम आदमी जहाँ पहले से ही कोरोना से जूझ रहा है और लोगों के पास इनकम के कोई साधन नहीं है, पिछले कई महीनों से जो है लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर इतनी महंगाई सिर पर हो गई है लोगों के, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम एज ऑपोजिशन जो है हम सब लोगों को जो है इकट्ठा करके हम ये बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार के कानों में पहुंचाएंगे कि ये चीज़ जो है ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।